सब्जेक्टिव शीट नंबर 20 में आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपके पास एक रिंग है, सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग की पूरे रिंग की रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, पूरे रिंग की रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। इस रिंग के ऊपर आपने दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, सच दैट ए और बी पॉइंट ने सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड किया, थीटा। तो यहां पे जो एंगल है वो कितना हो गया थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 2π - थीटा, राइट। तो ये थीटा तो 2π - थीटा। तो क्वेश्चन है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है ए और बी के बीच में क्या है, तो मैंने एक लाइन खींच ली ए और बी के बीच में। तो अगर आप मुझे ये रेजिस्टेंस बता दें, मान लो ये रेजिस्टेंस है आर वन और ये रेजिस्टेंस बता दें चूंकि कितनी है आर टू, तो ये दो रेजिस्टेंसेज आपस में किस में कनेक्टेड है, इन, कोई बोलता सीरीज क्योंकि रिंग की पार्ट है ना, पैरेलल। पैरेलल इसलिए क्योंकि वायर्स मैंने खींच दी यहां से, तो देखो ना जो पोटेंशियल वी वन है ये पोटेंशियल वी टू है, तो इसके अक्रॉस वी वन माइनस वी टू, इसके अक्रॉस भी वी वन माइनस वी टू, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं आर वन आर टू की वैल्यू बता दूं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि टोटल रेजिस्टेंस पूरे रिंग की आर है, क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो आर वन आर टू निकालने का तरीका देखो, आप बस मुझे ये बताओ कि आपको किसकी रेजिस्टेंस मालूम है, पूरे रिंग की मालूम है? पूरे रिंग की रेजिस्टेंस अगर कैपिटल आर है और जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ वाइज चेंज होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, तो हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चेंज किया नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंडेंट है। तो मेरे को ये पता है कि अगर टोटल लेंथ 2πr है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर है। तो अगर टोटल लेंथ 2πr है तो रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, अगर 1 है तो रेजिस्टेंस कितनी है, आर अपॉन 2πr है, और अगर लंबाई ए बी है, ए बी वायर की लंबाई ए बी, तो इसको ए बी से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगी, इस पोर्शन की रेजिस्टेंस, सही है? तो मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो रेजिस्टेंस तो निकल जाएगी आर वन, पर पहले मेरे को ए बी की लंबाई निकालनी पड़ेगी कितनी है। तो ए बी की लंबाई निकालने के लिए आप एक सेक्टर ले लो, इसमें ये सेक्टर देख रहे हो, ये रहा, इस सेक्टर का रेडियस क्या है, आर, एंगल थीटा, तो आर्क इज एंगल इज आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो लेंथ क्या आ गई, आर इंटू थीटा, तो एंगल इज आर्क बाय रेडियस, आर्क इज रेडियस इंटू एंगल, तो मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाल लिया, आर्क की वैल्यू आ गई, लेंथ की वैल्यू आ गई, कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अब ये लेंथ आ गई, तो रेजिस्टेंस निकाल लें, अगर 2πr लेंथ है तो रेजिस्टेंस पूरी रिंग की r है, अगर 1 है तो इसको 2πr से डिवाइड, और अगर लेंथ कितनी है r थीटा, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, r1 की, तो r1 की वैल्यू आ गई, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई r1, तो ये चेक करो, यही किया हुआ है इसमें, रेजिस्टेंस की वैल्यू r1 क्या अलग रखी है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, रेजिस्टेंस r1 आ गई, और ऊपर वाली वायर का एंगल कितना है, 2π - थीटा, तो नीचे वाले एक्सप्रेशन में सिर्फ थीटा की जगह क्या रिप्लेस किया, 2π - थीटा, तो ऊपर की रेजिस्टेंस भी आ गई, तो R1 R2 आ गया इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा, ये दोनों रेजिस्टेंसेज किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो R1 R2 की वैल्यू वहां से यहां पुट करनी है, वो दोनों वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है, मैंने किया नहीं, सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। तो मेथड सबको समझ में आ रहा है कैसे इस क्वेश्चन को करना है? तो पहले आपने ऊपर की रेजिस्टेंस निकालनी है, फिर नीचे की निकालनी है, फिर पैरेलल में लगाना है, कि रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले आपको लंबाई यानी कि लेंथ निकालनी पड़ेगी, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये होमवर्क है, ये पुरानी शीट्स के ही क्वेश्चन हैं, करंट डेंसिटी या आर इज रोएल बाय ए, तो रिपीट नहीं करेंगे, होमवर्क लिखो, टू, थर्ड भी, फोर्थ भी, रियोस्टैट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, अगर जिन लोगों ने ट्राई की और कोई क्वेश्चन करवाना चाहते हैं तो प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं, मैं रोक के कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ओके, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, रियोस्टैट हैज 100 टर्न्स ऑफ वायर, रियोस्टैट कुछ नहीं है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को बोलते हैं,
तो रियोस्टैट एक रेजिस्टेंस है जिसके अंदर कितने टर्न्स हैं, 100 टर्न्स हैं, और रेडियस वायर का 0.4 mm है, और रेजिस्टिविटी गिवन है, रो गिवन है, डायमीटर ऑफ ईच टर्न गिवन है। अब जब वाइंडिंग, जब हम लपेटते हैं तार को, वाइंडिंग बोलते हैं, वाइंडिंग में दो किस्म के रेडियस होते हैं, एक होता है ये सर्कल का रेडियस, एक होता है वायर का क्रॉस सेक्शन का रेडियस। तो वैसे तो कॉमन सेंस कहती है कि सर्कल का रेडियस तो बड़ा ही होता होगा वाइंडिंग में, क्रॉस सेक्शन का छोटा होता होगा, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। या इसमें 3 सेंटीमीटर एक टर्न का रेडियस है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए मैं ये रेडियस को यूज करूंगा जो कि 0.4 mm है, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इट कैन इंट्रोड्यूस क्या होगी, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100 टर्न्स हैं, डायमीटर एक टर्न का कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो कितनी लंबाई, लेंथ कितनी यूज की हमने वायर की, 100 into सर्कमफ्रेंस ऑफ 1 टर्न। एक टर्न का सर्कमफ्रेंस क्या है, या तो 2πr लिखेंगे या पाई डी, एक ही बात है, डायमीटर 2 into r होता है। तो यहां से डायमीटर पुट करके क्या आ गया, लंबाई आ गई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस कौन सा यूज करेंगे, क्रॉस सेक्शन का, 0.4 को मीटर में कन्वर्ट करके क्या आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया, लंबाई आ गई, तो रो आपको पता है आर इज रो एल बाई ए से आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है, ठीक है यहां तक। तो लंबाई के लिए 100 को मल्टीप्लाई करना है एक टर्न के रेडियस से, आई मीन सर्कमफ्रेंस से, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने बता दिया पाई आर स्क्वायर से आएगा। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, मतलब मेरी तरफ से होमवर्क है, फिर भी करवाना चाहते हो पूछ सकते हो, 7th करना ट्राई। क्या क्वेश्चन है देखो, देखो क्वेश्चन है, एक वायर है, आंसर दो प्लीज, इसमें तो पेन को हाथ भी नहीं लगाना, सिंपल ऐसे डिस्कशन है। एक वायर है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, और रेजिस्टेंस वायर की कितनी है, 9 ओम है, ठीक है। वो कह रहा है इस वायर को आपने कट कर दिया, काट दिया 3 हिस्सों में, तो 9 ओम है, 3 हिस्सों में काटने का मतलब लेंथ 1/3 होगी, तो रेजिस्टेंस भी 1/3 होगी, तो 3 3 3 की रेजिस्टेंस आ गई, ठीक हो गया। अब उसने कहा कि जो ये 3 पोर्शन है इसको हमने खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, कितना स्ट्रेच कर दिया, 3 गुना ज्यादा स्ट्रेच कर दिया, यानी कि स्ट्रेचिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस एन स्क्वायर हो जाती है, तो रेजिस्टेंस एन स्क्वायर हो गई, तो 3 का स्क्वायर into 3 कितना हो गया, 27, और यहां पर भी, और यहां 27 27 एंड 27, ठीक है यहां तक। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब वो कह रहे हैं ये जो रेजिस्टेंसेस आई ये आप किस में लगा दें, इन पैरेलल में लगा दें, तो पैरेलल में लगा के आंसर वापस से कितना जाएगा, 9, ये आंसर है। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है कैसे करना है, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वायर्स हैविंग सेम मटीरियल एंड लेंथ की रेशियो गिवन है, लेंथ की रेशियो गिवन है, डायमीटर की रेशियो गिवन है, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अकुमुलेटर, अकुमुलेटर बैटरी है, सीरीज में लगा के, तो सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, करंट, इस चैप्टर में करंट, कैपेसिटर में चार्ज।
तो करंट सेम है, तो आपको क्या निकालना है, रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट वायर में क्या, आई आर वन, सेकेंड में आई आर टू, आई आई तो कट जाएगा सीरीज में, तो आर वन का फॉर्मूला क्या है, रो एल वन बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, दूसरे का रो एल टू बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि लेंथ की रेशियो गिवन है, डायमीटर की रेशियो भी गिवन है, सॉल्व करके रेजिस्टेंस की रेशियो, वी की रेशियो आ जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे क्या लॉजिक लगेगा, आई को कैंसिल कर देंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू को रो एल बाई ए पुट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये होमवर्क है, 10th भी सब पुरानी शीट्स में से ही है, 11th 12th 13th किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये सब ट्राई करने हैं आपने, 16 17 18 और 19। अब 19th करें, क्या आंसर है, सीरीज पैरेलल में, सीरीज पैरेलल। सर 8 आ रहा है क्या, बस ये हिंट है, क्या करेंगे इसमें बता दो मुझे, इसके अंदर 5 और 5 किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, जो आंसर आएगा इस 5 के साथ इन सीरीज, जो आंसर आएगा 5 के साथ इन पैरेलल, और जो आंसर आएगा 5 के साथ इन सीरीज, क्या आंसर 8 ओम आ रहा है, एक बार चेक कर ले प्लीज, 8 आ रहा है, 8 ही आ रहा है। इसमें ये होमवर्क है, कुछ भी सीरीज पैरेलल का नॉर्मल क्वेश्चन है, यहां से करते हैं। इसके अंदर लॉजिक देखो क्या लगेगा, इसके अंदर ए और बी की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। ऐसे क्वेश्चंस को करने का हिंट मैंने आपको दे दिया कि जैसे ये मान लो पोटेंशियल वी है, ये जो वायर है इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, यही की पोटेंशियल मानी जाएगी, तो यहां का पोटेंशियल भी वी है, लेकिन यहाँ का वी नहीं होगा क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ रही है, तो ये जंक्शन क्या है, वी नॉट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कितना है, वी माइनस वी नॉट, इसमें कितना है, वी माइनस वी नॉट, तो ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो 8 और 8 पैरेलल में, तो आंसर क्या आएगा, 4। फिर 4 और 4 किसमें हो जाएंगे, इन सीरीज, तो ये देखो इक्विवेलेंट डायग्राम, 4 और 4 सीरीज में, और जो आंसर आएगा इस 12 के साथ इन पैरेलल, तो डायग्राम क्लियर है, 4 और 4 सीरीज में लगा लेना, 8 8 और 12 पैरेलल में, तो आंसर क्या आएगा, 4.8। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट मिलता जुलता क्वेश्चन है फिर से, ए ये रहा ए और ये रहा बी, इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है ए और बी के अंदर, रूल वही है, अगर ये V है तो इक्वी पोटेंशियल होने की वजह से ये भी V है, अगर ये V है तो इसमें कुछ लगा नहीं हुआ तो ये भी V है, अगर ये V है तो ये भी क्या है, ये भी V है, तो सारे V V V हो गए, और ये क्या है, V नॉट, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V नॉट, V माइनस V नॉट, V माइनस V नॉट और V माइनस V नॉट, तो ये सारे किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल, तो लगा देना पैरेलल में आंसर। पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि क्या लॉजिक है इसमें, ठीक है, ये हो जाएगा, ये तीनों पैरल में, इसके साथ इन सीरीज में, ये क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में ये बताओ ये तीनों किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल कि दो इन पैरेलल और एक सीरीज में? मेरे दो बार क्वेश्चन पूछने से कंफ्यूज कैसे हो सकते हो? पैरेलल ठीक था आंसर, तीनों पैरेलल में ठीक था आंसर। ठीक है देखो ये तीनों पैरेलल में है। कैसे पैरेलल में? एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि लगता है कि ये दोनों पैरेलल में इसके साथ सीरीज में हो जाता है, तो ये मैंने जान के पूछा। तो जब इस देखो मैंने पूछा कि इसे कि कैसे पता लगता है, वो कहता है ये बस लगता ही है, देखने से पता लग जाता है पैरेलल की सीरीज। तो अब देखने में कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि चलो ये पैरेलल इसके साथ नहीं, सीरीज लूगा तो आप मत लगाएं। अब मान लें यहाँ का पोटेंशियल V1 है, मान लें यहाँ का पोटेंशियल V2 है, तो अगर ये V2 है इक्वी पोटेंशियल तो ये भी V2 है, साफ पता लग रहा है पोटेंशियल डिफरेंस V2 - V1 है, V2 - V1 है, और यहाँ पर भी V2 - V1 है, तो ये साफ पता लग रहा है तीनों किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल है। और जो आंसर आएगा वो R1 के साथ किसमें कनेक्टेड है, इन सीरीज है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये E है, ये R1 है, और ये तीन रेजिस्टेंसेज हैं 1, 2 और 3 पैरेलल में, तो इसकी वैल्यू कितनी है R2, इसकी वैल्यू कितनी है R3, इसकी वैल्यू कितनी है R4, तो यही डायग्राम बनेगा इक्विवेलेंट, ये तीनों पैरेलल में इसके साथ सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आप निकाल ही लेंगे। कोई डाउट इसमें? क्योंकि आपको क्वेश्चन में R1, R2, R3, R4 सब गिवन है। इसका एक और इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा, ये R1 है, इन तीनों को पैरेलल में लगा के मान लो आंसर ये आ जाता है, कुछ तो आंसर आता है ये वो तो आप निकाल ही लेंगे, तो डायग्राम ऐसा बनेगा, इन तीनों को पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया जा सकता है। सही है यहाँ तक? कोई डाउट है इसमें? तो मैं वैल्यू सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि पैरेलल में लगा के कुछ तो आंसर आएगा। अब आपके लिए यहाँ करंट निकालना बड़ा आसान है, बोलो करंट निकल जाएगा ई को इस टोटल रेजिस्टेंस से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो सर्किट का करंट आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर करंट आ गया तो इसमें अगर करंट आ गया तो करंट को इससे मल्टीप्लाई करके इसका वी आ जाएगा, ओम्स लॉ, अगर करंट आ गया तो आई इंटू आर करके इसका वी आ जाएगा, और ये रेजिस्टेंस किसकी बनी हुई है, इन तीनों की, कनेक्टेड इन पैरेलल, तो वी की वैल्यू विल रिमेन सेम, जो तुम वहां से वी निकालोगे वही वी इसको भी दोगे, तो अब तुम्हें इन ब्रांचेज में करंट निकालना है, V/R2, V/R3, V/R4 करंट आ जाएगा तीनों ब्रांचेस में। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे करना है? तो पहले आप टोटल करंट निकाल लेना, ओम लॉ से आई इंटू आर निकाल लेना, आई इंटू आर से यहाँ पे वी आ जाएगा, ये पैरल का बना हुआ है, जो भी इसका वो इन तीनों का, फिर करंट आ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि लॉजिक क्या करना है इसमें सॉल्व? ठीक, 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 हमने किया हुआ है, मैंने हैंड रिटन में करवाया था कि ये दोनों पैरेलल में आपस में सीरीज में, और फिर ये तीनों पैरेलल में किया था हमने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 एक बार देखो, क्वेश्चन है EMF ऑफ अ सेल इज 1.5 वोल्ट, किसकी वैल्यू गिवन है, कैपिटल ई की, ऑन कनेक्टिंग 14 ओम रेजिस्टेंस अक्रॉस दी सेल, क्या गिवन है, कैपिटल आर, जब सेल के साथ कोई वायर लगा दी जाती है तो वह कैपिटल आर कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉल्स टू 1.4, तो वी की वैल्यू कितनी है 1.4, क्योंकि जब आप सेल से कोई बाहर वायर कनेक्ट करेंगे तो सेल में से करंट बाहर निकलेगा, करंट बाहर निकलेगा तो ई वैल्यू नहीं आएगी, फिर वी वैल्यू आएगी, क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था लास्ट टाइम स्मॉल आर का, स्मॉल आर क्या है, ई बाई वी माइनस 1 × R, ये किया था, तो ई पता है, वी पता है, कैपिटल आर पता है, आंसर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे कर सकते हैं इसे? ठीक है, फिर एक स्टूडेंट कहता है कि मेरे को ये फॉर्मूला याद ही नहीं आया, मेरे को तो एक ही फॉर्मूला आता है बस इसमें, मैंने कहा कौन सा, वो कहता है बस ये आता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, क्या आप इससे सॉल्व कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, मेरे को क्वेश्चन में ई पता है, मुझे क्वेश्चन में वी पता है, मुझे क्वेश्चन में स्मॉल आर निकालना है, बस मुझे क्या निकालना है, करंट, और आई का फॉर्मूला बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर,
क्योंकि जब एक सेल और एक्सटर्नल इंटरनल दोनों कनेक्टेड होते हैं, तो आई का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या किया था लास्ट टाइम, ई बाई आर प्लस आर। तो इस करंट को यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तुम्हें अगर फॉर्मूला नहीं भी याद तो भी आंसर तो फिर भी आ ही जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? जैसे मर्जी कर लो, फॉर्मूला याद है तो भी ठीक, नहीं याद तो भी ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। टू पोल्स ऑफ अ सेल ऑफ ईएमएफ, मुझे कोई बताएगा 1.5 वोल्ट ई है कि वी है? कितने बोलते हैं कि वी है, कितने बोलते हैं ई है? इससे क्लियर बोल सकता है वो? इससे क्लियर क्या लिख के देगा तुम्हें? हिंदी में थोड़ा लिख के देगा कि ये ईएमएफ है भाई, इंग्लिश में ये लिख के देगा ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब ई होगा ना, वी कहां से हो जाएगा? तो ई है, कनेक्टेड टू 10 ओम। इफ करंट इन दिस सर्किट इज 0.1 एम्पियर, क्या निकालनी है? इंटरनल। तो मेरे को करंट का फॉर्मूला तो आता ही है, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। मेरे को इसमें आई पता है, मेरे को इसमें ई पता है, कैपिटल आर पता है, स्मॉल आर कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? कैसे करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग है, इससे लेना देना नहीं है, तो आप 28 को एक बार ट्राई करें। 28 क्वेश्चन क्या है? ठीक है, 28 ट्राई करें। बैटरी जिसकी क्या गिवन है? ईएमएफ। तो अपने मन में ना एक काम करो, ना डायग्राम बना ही लिया करो, ऐसे ना गड़बड़ हो जाएगी। 6.6 वोल्ट बना लिया करो। तो ई की वैल्यू क्या है? 6.6। कैन सप्लाई अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, तो ये लो, ये 3 एम्पियर का करंट आ गया, और रेजिस्टेंस कैपिटल आर कितना है? 1.82। ये क्वेश्चन है, वॉट करंट डज इट सप्लाई? स्टूडेंट सोचता है यार करंट 3 एम्पियर गेवन तो है, करंट क्यों पूछ रहा है? क्योंकि केस नंबर 2 स्टार्ट कर रहा है। केस नंबर 2 में बैटरी वही है, E इज इक्वल टू 6.6 वोल्ट की, लेकिन आपको अब क्या चाहिए? करंट निकालना है। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.8 की जगह क्या कर दी जाए? 2.9 ओम। ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालनी है बैटरी की। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि स्मॉल आर निगलेक्टेड है, स्मॉल आर की वैल्यू इसमें कंसिडर करनी है। तो मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो तुम्हें इसमें करंट का फॉर्मूला आता है ना, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। तो करंट है कितना? 3। ई की वैल्यू कितनी है? 6.6। कैपिटल आर कितना है? 1.8। और स्मॉल आर सबसे पहले सॉल्व करके क्या आएगा केस नंबर 1 से? स्मॉल आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? केस नंबर 1 से स्मॉल आर आ गया, तो केस नंबर 2 में स्मॉल आर की वैल्यू सेम यूज करके फिर से करंट का फॉर्मूला लगा लेना। तो करंट का फॉर्मूला क्या आएगा? ई डिवाइडेड बाय 2.9 और स्मॉल आर। ये स्मॉल आर की वैल्यू को यहां पुट करके नया करंट कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? तो लॉजिक समझ में आ रहा है? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में दो करंट गिवन हो, तो यानी कि दो केस पूछ रहे हैं, तो केस नंबर 1 पूछ रहे हैं और केस नंबर 2 पूछ रहे हैं। जो केस नंबर 1 है वो स्मॉल आर निकालने के लिए पूछ रहे हैं, और केस नंबर 2 में नया करंट निकालने के लिए पूछ रहा है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसमें? कोई डाउट इसमें? तो हो जाएगा इस टाइप की प्रॉब्लम, क्लियर है?